मागा फाउलस्टिच का जन्म 16 जून 1915 को वेमार में हुआ था। वह एक जर्मन ग्लास्ट केमिस्ट थी। उन्होंने 44 साल तक स्कॉट एजी के लिए काम किया। इस समय के दौरान उसने 300 से अधिक प्रकार के ऑप्टिकल चश्मे पर काम किया। उनके नाम पर 40 पेटेंट पंजीकृत हैं। वह स्कॉट एजी में पहली महिला कार्यकारी थी। उनके दो भाई और बहन थे। 1942 में परिवार जेना चला गया, जहां फाउलस्टिच माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने लगी। 1935 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने यूरोप में ऑप्टिकल और तकनीकी विशेषज्ञता चश्मे के अग्रणी निर्माताओं में से एक स्कॉट एजी में स्नातक सहायक के रूप में प्रशिक्षण देना शुरू किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने पहली पतली फिल्म के विकास पर काम किया। तब किए गए मूल शोध के निष्कर्ष अभी भी धूप के चश्मों, विरोधी प्रतिबिंबित लेंस और ग्लास फैसाड के निर्माण में उपयोगी हैं। एक प्रतिभाशाली युवा महिला फाउलस्टिच अपने कैरियर में तेजी से आगे बढ़ी। स्नातक सहायक से तकनीकी सहायक, फिर वैज्ञानिक सहायक और अंततः वैज्ञानिक बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी मंगेतर की मृत्यु हो जाने की वजह से उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। 1942 में उन्होंने स्कॉट में काम करते हुए रसायन शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया। वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थितियां बदल गई थीं। जेना सोवियत व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित था, हालांकि दुनिया में उससे उन्नत ग्लास मेकिंग सुविधा जेना में थी और पश्चिमी सहयोगी इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते थे। मागा फाउलस्टिच को लाइटवेट लेंस SF64 के आविष्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसके लिए उन्हें 1973 में सम्मानित किया गया। 1989 में वह 44 साल तक स्कॉट एजी में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुई। उन्होंने अगले वर्षों में दूर दराज के क्षेत्रों में यात्राएं की और वो तमाम सम्मेलनों में व्याख्यान और प्रस्तुतियां देती रहीं। 82 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 1998 को उनका निधन हो गया।